हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जिसमें हम कवर करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टर्म्स ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन फोर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है सेक्शन फोर सब सेक्शन वन कहता है देर शैल बी अ बार काउंसिल फॉर द टेरिटरीज टू दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जिन भी टेरिटरीज को यह एक्ट एक्सटेंड करता है उनके लिए एक बार काउंसिल होना चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाएगा और उसमें फॉलोइंग मेंबर्स होने चाहिए पहला द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो दूसरा द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो तीसरा वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि एक मेंबर हर स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट होगा उसके अपने मेंबर्स में से। सेक्शन फोर सबसे टू कहता है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया शेल हैव अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन इलेक्टेड बाई द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक चेयरमैन होगा एंड एक वाइस चेयरमैन होगा जो कि काउंसिल खुद ही इलेक्ट करेगा प्रिस्क्राइब मैनर में सेक्शन फोर सबसेक्शन थ्री बात करता है मेंबर्स के टर्म ऑफ ऑफिस का यानी कि उनके कार्यकाल का क्या समय होगा तो जो भी मेंबर्स स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हैं उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो सेक्शन फोर सेक्शन थ्री हमें बताता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई द स्टेट बार काउंसिल शैल स्टेट बार काउंसिल के मेंबर के केस में जो कि ऑफिस होल्ड करते हैं एक्स ऑफिशियो जब से उनका इलेक्शन हुआ है तब से दो साल तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा या फिर जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं तब तक ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहेंगे जब वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर नहीं रहते हैं तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी नहीं रहेंगे और इन दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ पहले होगी वो डिफाइन करेगी उनका टर्म ऑफ उफ ऑफिस दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि किसी भी और केस में जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एज अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल तब तक उनका टर्म ऑफ उफ ऑफिस होगा सेक्शन फोर सबसेक्शन थ्री कहता है कि जब तक कि जो मेंबर ऑफिस होल्ड कर रहा था उसके प्लेस पर उसका सक्सेसर ऑफिस होल्ड नहीं कर लेता है तब तक ऐसा माना जाएगा कि वही पर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा है प्रोवाइडेड दैट एवरी सच मेंबर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं सेक्शन टेन बी जो कि कहता है कि बार काउंसिल का कोई भी इलेक्टेड मेंबर अगर वो किन्नी तीन कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में एबसेंट रहता है या किसी और कारण से उसका नाम रोल ऑफ एडवोकेट्स में से हटा दिया जाता है या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि जो उसका टर्म ऑफ उफ ऑफिस उफ है वो वहीं ख़त्म हो गया तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सेक्शन सेवन में बताए गए हैं सेक्शन सेवन के तीन सब सेक्शंस हैं जिसमें सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है पहला फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स यानी एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट्स को लेकर रूल्स बनाना दूसरा टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल यानी कि ऐसे प्रोसीजर्स बनाना जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी को फॉलो करने होंगे स्टेट बार काउंसिल की भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी तीसरा टू सेव द राइट्स प्रिवलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स चौथा टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म पांचवा टू डील विद एंड डिस्पोज ऑफ एनी मैटर अराइजिंग अंडर दिस एक्ट विच मे बी रिफर्ड टू इट बाय स्टेट बार काउंसिल यानी कि इस एक्ट के अंडर अगर कोई भी मैटर अराइज होता है तो उससे डील करना और उसे डिस्पोज ऑफ करना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है वो मैटर उसे स्टेट बार काउंसिल की तरफ से भी रेफ़र किया जा सकता है जो सिक्स फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो है टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविज़न एंड कंट्रोल ओवर स्टेट बार काउंसिल यानी कि जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उन पर कंट्रोल करना और अपना जनरल सुपरविज़न उन पर बनाए रखना सेवेंथ फंक्शन है

वोज डिग्री इन लॉ शैल क्वालिफिकेशन फ़ॉर एनरोमेंट एज एन एडवोकेट एंड फॉर दैट परपज़ टू विज़िट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉज द स्टेट बार काउंसिल्स टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज़ इन अकॉर्डेंच डायरेक्शन एज इट में गिव इन दिस बिहाफ़ यानि कि यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉगनाइज़ करना जिनकी डिग्री लॉ में क्वालिफिकेशन होगी किसी भी लॉ ग्रेजुएट के इनलमेंट के लिए एज एन एडवोकेट और इस परपज़ के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करना और उनका इंस्पेक्शन करना या फिर स्टेट बार काउंसिल को उन यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट और इंस्पेक्ट करने के डायरेक्शंस देना जिसके अकॉर्डिंग स्टेट बार काउंसिल ये काम करेगी नाइन्थ फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स बाय एमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट यानी कि लीगल टॉपिक्स पर सेमिनार्स और टॉक्स ऑर्गेनाइज करना और जर्नल्स पब्लिश करना लीगल इंटरेस्ट के टेंथ फंक्शन है टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब मैनर इलेवेंथ फंक्शन है टू रिकोगगनाइज़ ऑन रेसिप्रोकल बेसिस फॉरन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑफ टेन आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट यानी कि अगर किसी ने फॉरन से लॉ की डिग्री ली है तो उसके इनरोलमेंट के लिए एज एन एडवोकेट इंडिया में क्या क्या चीज़ें होंगी वो डिसाइड करना ट्वेल्थ फंक्शन है टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल जो भी बार काउंसिल के फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट और मैनेज करना थर्टींथ फंक्शन है टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर इसके मेंबर्स के इलेक्शन के लिए रूल्स बनाना फोर्टीन फंक्शन है टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट और वो बाकी सारे फंक्शंस करना जो कि इस एक्ट के अंडर बार काउंसिल को कन्फर किए गए हैं फिफ्टीन फंक्शन है टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग द एफोसेट फंक्शन और बाकी वो सारी चीज़ें करना जो कि जरूरी हैं इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सेवन सबसेक्शन टू के बारे में जो कहता है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब मैनर फॉर द पर्पज ऑफ यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक या एक से ज्यादा फंड्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है किन चीज़ों के लिए पहला गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स यानी यानी कि जो इंडिजेंट यानी कि जो पुअर या डिसेबल्ड या बाकी जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना दूसरा गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ लीगल एड या एडवाइस देना रूल्स के अकॉर्डेंस में जो कि इस बिहाफ में बनाए गए होंगे तीसरा स्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज लॉ लाइब्रेरीज़ का स्टैब्लिशमेंट करना अब बात करते हैं सेक्शन सेवन सेक्शन थ्री के बारे में जो कहता है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे रिसीव एनी ग्रांट्स डोनेशन गिफ्ट और बेनिफैक्टर्स फॉर ऑल और एनी ऑफ पर्पसेस यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसी भी पर्पस के लिए ग्रांट्स डोनेशन गिफ्ट्स या बेनिफैक्टर्स रिसीव कर सकता है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो में हमने जाना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसके मेंबर्स के बारे में इसके मेंबर के टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को और डिटेल में जानेंगे आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो